इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बीपीएससी का जो फॉर्म फिलअप हुआ उसका एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, और इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए थे तो जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो। सबसे पहले मैं बता दूँ फ्रेंड्स, आपका जो परीक्षा जो होगी वह जो है 24 अगस्त से शुरू है और 27 अगस्त तक होगी। यह संभावित है, टेंडेटिव है, यह फिक्स नहीं है कि आपको इसी दिन परीक्षा होगी, हालांकि इसमें घट बढ़ सकती है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि यह एग्ज़ाम जो है सही समय पर लिया जाए, क्योंकि यहां पर बच्चे सब बहुत परेशान हैं। और मान लीजिए कि समय जितना मिलेगा सबको बराबर मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा समय मिल जाएगा, किसी को कम मिलेगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपको मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि आपका जो था पहले से नोटिस था कि अगर 6 लाख तक फॉर्म फिलअप होता है तो आपका एक ही पाली में एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन 6 लाख से जैसे ही ज़्यादा फॉर्म फिलअप होगा 2 पाली में लिया जाएगा। बट यहाँ पर 8 लाख से एवं फॉर्म फिलअप हो गया है, करीब कह सकते हो 9 लाख तक फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो इस कंडीशन में 2 पाली में एग्ज़ाम होने वाली है, 2 पाली में एग्ज़ाम होगी, लेकिन एडमिट कार्ड जो है आपका 10 दिन पहले आएगा। यहाँ पर देखिए, एडमिट कार्ड 10 दिन पहले डाउनलोड किया जा सकेगा, ऐसा सर्वर पर दबाव की स्थिति को देखते हुए किया गया है कि 10 दिन पहले ही किया जाएगा। लेकिन एडमिट कार्ड पर आपका परीक्षा केंद्र का नाम नहीं रहेगा, परीक्षा केंद्र का नाम नहीं रहेगा, बट परीक्षा केंद्र का कोड रहेगा, जिससे आप पता कर सकते हो कि कहाँ एग्जाम है। परीक्षा के 2 दिन पहले उस कोड से संबंधित परीक्षा केंद्र का नाम बताया जाएगा। 2 दिन पहले जो है आपका केंद्र का नाम बताया जाएगा कि आपका केंद्र कहाँ पर है और उसका नाम क्या है। लेकिन आपको 10 दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर का कोड बता दिया जाएगा कि हाँ आपका यह कोड है, और 10 दिन पहले पता चल जाएगा कि हाँ आपका कौन सा शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है ना। और 2 दिन पहले आप ओरिजिनल एडमिट कार्ड निकाल सकते हो और वहाँ लेकर आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो यहाँ पर आपको 24 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, लेकिन आपका 14 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और 14 अगस्त से आपको पता चल जाएगा। आज जो है यहाँ पर 24 जुलाई हो चुकी है, अभी से कह सकते हो कि 10 दिन बाद तो हो जाएगा 4 और 10 दिन बाद जो है आपका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, किसी को डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। और भी चीज़ें लिखी हुई है, बाकी चीज़ें जो है आपका कमेंट करके पूछ सकते हो, या मैं फिर से कोई वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा जिसमें से कोई भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी न्यूज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलता है एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।